हेलो 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 जवाब दो। हेलो हेलो कहर। गुड हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू फ्रॉम कराची। आई कैन सी फैमिलियर फेसेस। यस। तो can we start so the audience can see us on the, can you see our slide? Not at this moment. Okay, Zoltan is gonna now you can okay us. Perfect, you should be able to see a slide now. No slash okay. Nahi bolo urdu mein kya urdu bolo bhai ah sorry aap kya prefer karte hain, hum ye visit urdu mein kare hain punjabi hum punjabi ko sir mujhe punjabi nahi aati main nahi bolo अच्छा, सॉरी वी कांट स्पीक सिंधी बट उर्दू इज एन ऑप्शन एंड इंग्लिश इज एन ऑप्शन, तो आप बताइए क्या? उर्दू। ओके ओके, सो वी विल स्विच टू आवर नेशनल लैंग्वेज। ओके यस प्लीज डू। इन दिस केस सिंस माय उर्दू इज एक्सट्रीमली पुअर, आई एम अफ्रेड आई बट यू विल लर्न। आई विल मेक ओवर माय बेस्ट। श्योर, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब आप आपको स्लाइड नजर आ रहा है, ठीक है जी? ये जो हमें हटाना खाली ये दिखना चाहिए। ओके, ऑल गुड जी, वी कैन स्टार्ट। ओके अच्छा जी, वेलकम फ्रॉम सीएमएस कंट्रोल रूम। हम मेरा नाम मेहर अली शाह है जी। मैं इधर सन पे सीएमएस एक्सपेरिमेंट के साथ काम करता हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी किया है और मेरे साथ हैं जनाब, आप खुद बताएं। बल्कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैंने चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस से पीएचडी की और अब मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूं टेक्सास ए&एम यूनिवर्सिटी। तो मैं भी यहां पर सीएमएस। तो डॉक्टर अहमद सर हमारे कोलीग हैं, ये पोस्ट डॉक कर रहे हैं यूएस के साथ और सन सीएमएस के साथ ही काम करते हैं, सन बेस्ड ही हैं। और हमारे साथ आपको ये जो सारी ये जो टेक्निकल असिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो इस वर्चुअल विजिट को पॉसिबल किया है, वो हैं जोल्टन, आप देख सकते हैं इन्हें, और नोएमी। तो ये थैंक्स टू देम, दैट दिस इज बिकॉज ऑफ देम वी आर एबल टू organize this virtual visit. अच्छा, अब format ये है जी कि हम अभी CMS control room में मौजूद हैं और अभी हम आपको एक बड़ा brief सा एक introduction देंगे सन का, LHC का और CMS experiment का। ज़्यादा technical में नहीं जाएंगे। आप में से of course काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे और जिनको लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बहुत सिंपल रखें। और उसके बाद अहमद और जोल्टन यहाँ मौजूद रहेंगे और मैं और नोएमी हम एक दूसरे कैमरा के साथ 100 मीटर अंडरग्राउंड जाएंगे। चूंकि अभी ये हमारा कोलिजन कोऑपरेशन रुका है, ये ईयर एंड टेक्निकल स्टॉप है जिसमें हम कुछ मेंटेनेंस करते हैं और प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैग्नेट ऑफ है, रेडिएशन ऑफ है, कोई कोलिजन नहीं हो रही, इसलिए ये एक यूनिक टाइम विंडो है जिसमें हम डिटेक्टर को डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक आपका विजिट फॉर्चुनेटली एक ऐसे टाइम पे आया कि हम आपको एक्चुअल जो सीएमएस डिटेक्टर है, अभी हम उसके बारे में आपको बताते हैं ये क्या बुला है, तो वो हम आपको जाके नीचे दिखाएंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है और एंड पे हम आपसे कुछ अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप स्टूडेंट्स और इवन फैकल्टी के लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, हम आपसे कुछ शेयर करें कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है सन के साथ। पाकिस्तान अब एसोसिएटेड मेंबर है तो उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप सब जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स लेवल, मास्टर्स, पीएचडी लेवल की पोजीशन, पोस्ट डॉक, फैकल्टी, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम इस विजिट का इससे प्रॉफिट करते हुए आपसे वो डिटेल्स भी शेयर कर लेंगे और ये पोजिशन फिर हर साल दो दफ़े अनाउंस होती हैं, तो आई गेस दैट विल बी इवन मोर यूजफुल for all of you, younger students and also the, I mean, faculty. अच्छा, अब हम शुरू करते हैं जी। जस्ट ये ज्यूम करते हुए कि चलें, जो लोग उनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि उनको भी आइडिया हो जाए, तो आप अभी स्क्रीन देख रहे होंगे, सो वी आर प्रोजेक्टिंग, राइट? ओके, परफेक्ट। सो अच्छा, अब हम हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। हाँ श्योर, परफेक्ट। सो अच्छा,
सन जो है ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे जिनेवा सिटी के करीब हम अच्छा सॉरी एक बात मैं कहना भूल गया, और एंड पे हम फिर स्टूडेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो बिल्कुल घबराना शर्माना हेजिटेट करना नहीं है, आप इस ओवरव्यू के बाद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी एंड पे करेंगे, ठीक है जी? अच्छा सन मैंने आपको बताया कि ये है स्विस फ्रेंच बॉर्डर पे 27 किलोमीटर की टनल है, इसको 100 कंट्रीज इसके कोलैबोरेटर्स हैं, तो ये सब मिलके यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये पिछले 2 दहाइयों से ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है, और आपने इसकी काफी डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, हम कुछ को भी यहाँ मेंशन भी करेंगे, और पहले आपको इसका एक क्विक ओवरव्यू देते हैं और फिर हम थोड़ा सा अंदर टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे। ये इस पिक्चर में आप देख सक रहे होंगे ये जो आपको लेक नजर आ रही है ये जिनेवा लेक है स्विस साइड, और ये यहाँ पे बॉर्डर लाइन तो नहीं है लेकिन ये वाला जो सारा ओके देयर इज अ लाइन, तो ये जो आपको व्हाइट लाइन से इधर वाला एरिया नजर आ रहा है ये फ्रांस है, तो आप देख सकते हैं इसका पार्ट, ये 27 किलोमीटर का टनल है जिसके अंदर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर जिसको हम बोलते हैं लार्ज हैड्रन कोलाइडर, तो ये उसकी 27 किलोमीटर की रेंज है, ये 100 मीटर जमीन के नीचे है, जैसे ये आप देख सकते हैं ये सरफेस एक, तो ये 27 किलोमीटर का रेंज 100 मीटर अंडरग्राउंड है जिसके अंदर फिर मल्टी अच्छा इसके मेन आइडिया ये है कि हम इस एक्सेलरेटर में प्रोटॉन्स जो हैं पार्टिकल्स उनको मूव करते हैं सिंपल हाइड्रोजन से लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नॉक किया पीछे प्रोटॉन बचते हैं, तो उनको वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट 99.99996 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट उसको मूव करते हैं, और फिर उनको 4 जगहों पे कोलाइड किया जाता है एट अ वेरी हाई एनर्जी विच इज द हाईएस्ट एनर्जी एवर अचीव्ड इन एनी पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है जी? उस उन 4 एक्सपेरिमेंट्स के जो नाम है वो ये आप देख सकते हैं, ये 4 वो जॉइंट डिटेक्टर्स हैं, आप कैमरा समझ लें जिसके अंदर इन पार्टिकल्स को कोलाइड किया जाता है, और उनके अंदर ये जो डिटेक्टर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये है CMS कॉम्पैक्ट म्यू टॉप राइट CMS म्यूऑन सोलेनाइड, अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ये 14,000 टन हैवी एक डिटेक्टर है जो 100 मिलियन सेपरेट चैनल्स को रीड करता है, और ये आप समझ लो कि कैमरा है जो 1 सेकंड में 40 मिलियन पिक्चर्स लेता है और उनको स्टोर करता है, ठीक है जी? तो ये जो पार्टिकल जो मैंने आपको बताया कि हम मूव करते हैं ये हम एट अ टाइम बिलियंस ऑफ पार्टिकल प्रोटॉन्स मूव कर रहे होते हैं LIC में, दोनों 2 पाइप्स हैं उसके दोनों तरफ, और फिर उनको 100 बिलियन पार्टिकल्स को एट अ टाइम कोलाइड किया जाता है इन द सेंटर ऑफ ईच ऑफ दीज डिटेक्टर्स, और उसके ऊपर फिर जो इंटरेस्टिंग फिजिक्स इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है। तो मैं अब आपको इसके कुछ और की फीचर्स बता देता हूँ। तो प्रोटॉन बीम मूव करती है एक्सेलरेटर में। अच्छा, अब सर्कुलर एक्सेलरेटर है तो आपको पहली बात तो यह है कि ये जो प्रोटॉन मूव करते हैं वो वैक्यूम में मूव करते हैं, अल्ट्रा हाई वैक्यूम में, जो पाइप है इसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं इस फोटो में ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, ये 2 पाइप्स है, एक में प्रोटॉन बीम एक तरफ जा रही होती है एक में दूसरी तरफ। अच्छा, इन पाइप्स के अंदर अल्ट्रा हाई वैक्यूम है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो बीम है वो ऑन द वे किसी भी चीज से इंट्रैक्ट करे, वो वैक्यूम में जा रही होती है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये सर्कुलर कोलाइडर है तो अब आपने उस बीम को बेंड करना है ये 27 किलोमीटर के उसमें, उसके लिए यूज किए जाते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। सुपर कंडक्टर्स आप सबने मेरी आवाज आपको आ रही है ऐसे जी जी भी आ रही है, ये थोड़ा सा आप रुके क्योंकि ये थोड़ा नेट का कनेक्शन का इशू है। ओके श्योर श्योर, आप बताइएगा जब आप ग्रीन लाइट देंगे तो हम रिज्यूम करेंगे। They're having some internet problems, so they're asking to wait few seconds. Okay, no problem, no problem. But we anyway record and they will get this later as well. It's okay? Is it just okay now? Okay. बस खराब हो गया।
चल जाएगा इंशाल्लाह पिल्ला तरह से देख आ रहा होगा कौन सा क्या नाम है रिफ्रेश करना मेरा भाई रिफ्रेश ही तो किया कोई सही है रहने दे नहीं 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 सही है ना भाई अपना चेक कर ले क्या आ रहा है डिवाइस उतार के यहाँ पे ले सर आप करीब चेक कर तेरे दिखा रहे स्कूल बस जस्ट उनको बोलो जस्ट गिव अस 5 मिनट्स सर नहीं कुछ रिफ्रेश करो ट्राइंग टू रिफ्रेश ओके We are waiting, right? Okay. It's good? Can we resume? Hello, we don't hear you. Yes. Okay. Okay, let's continue. So we can continue? Yes. Okay, great. Okay. So we were talking about this Urdu, please. Oh, sorry. हम बात कर रहे थे ये जो प्रोटॉन बीम ये जिस ट्यूब में अल्ट्रा है वैक्यूम में मूव करता है ताकि इंट्रैक्ट ना करे और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं उसको बेंड करने के लिए क्योंकि हमारा सर्कुलर कोलाइडर है. अच्छा, सुपर कंडक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं? वो कंडक्टर जिनको आप बहुत ज्यादा कूल जब करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर विदाउट एनी रेजिस्टेंस जब फ्लो कर रही होती है विद जीरो रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर. तो हमारे पास नायोबियम टाइटेनियम के इसके अंदर सुपर कंडक्टर्स हैं जिसमें अप टू 18,000 एम्पीयर्स करंट फ्लो कर रहा होता है जीरो रेजिस्टेंस के साथ. ठीक है जी. अच्छा, अब इनको सुपर कंडक्टिंग इस नायोबियम टाइटेनियम को कैसे बनाया जाता है? इस पूरे इस 27 किलोमीटर की ये जो ट्यूब्स हैं इसमें लिक्विड हीलियम इंजेक्ट की जाती है जिसका टेम्परेचर है -271 degrees. तो इस टेम्परेचर में विच इज बाय द वे कोल्डर देन द आउटर स्पेस ये बनती है नायोबियम टाइटेनियम सुपर कंडक्टिंग. फिर इस हाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 टेस्ला जनरेट किया जाता है जो कि फिर बेंड करता है इस बीम को अलोंग द ये जो ट्यूब है. ठीक है जी. तो ये हो गया आइडिया उसका. अच्छा, सॉरी, ओके ओके, यू कैन हियर अस राइट? यस. ओके ओके. अच्छा, अब आगे. अच्छा, अब आपने कोलिजन करवाई है तो ये सीएमएस के सेंटर में, तो ये कोलिजन इस हाई एनर्जी पे जब हम अप टू 13 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वो कंडीशंस हैं व्हिच वर देयर एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग. ठीक है जी. सो द आइडिया ये है कि आप बिग बैंग के टाइम पे जो कंडीशन थी राइट आफ्टर बिग बैंग वो कंडीशन क्रिएट करते हो और फिर उसके ऊपर मैटर को प्रोब करते हो. ये इसका इन अ नटशेल ये इसका आइडिया. ठीक है जी. अच्छा, अब जो सीएमएस है वेरी ब्रीफली और फिर हम आपको नीचे लेके जा रहे हैं. अच्छा, सीएमएस के अंदर ना ये डिफरेंट लेयर्स में बना हुआ है. इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स हैं. इसमें सिलिकॉन ट्रैकर है, इसमें कैलोरीमीट्री है, लेड टंगस्टेन टाइप की क्रिस्टल्स को यूज करके ना वो बनाई गई है. अच्छा, फिर इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है सेंटर में, ये जो आपको ये सिल्वर रिंग, ये है सोलेनाइड मैग्नेट. तो सोलेनाइड मैग्नेट आप उससे वाकिफ हो कि सोलेनाइड क्या होता है. तो ये सोलेनाइडल फील्ड जनरेट करता है 3.8 टेस्ला का, ताकि उस इस फील्ड में हम फिर जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस अंदर होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स की बेंडिंग से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उनका एनर्जी और मोमेंटम. ठीक है जी. अच्छा,
इस सोलिन ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सोलेनाइड मैग्नेट एट दिस एनर्जी, और इसके अंदर भी प्रिंसिपल वही है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स है नायोबियम टाइटेनियम की, हीलियम से इसको फिल किया जाता है जिसके ऊपर -271 डिग्री पे वो बनते हैं सुपर कंडक्टर, और उस फील्ड में फिर हम चार्ज पार्टिकल्स को जूम की बेंडिंग से, जैसे अगर आप ये देखो ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है तो ये म्यूऑन पार्टिकल है, क्योंकि म्यूऑन बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो फिजिक्स प्रोसेसेस हैं उसमें जनरेट होता है, जैसे हिग्स बोसोन की जो डिस्कवरी हुई थी जिसमें नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था 2012 का, CMS की ये डिस्कवरी थी, तो उसका जो मेजर एक चैनल था जिस पे उसकी मेजरमेंट की गई तो वो म्यूऑन, चार म्यूऑन से था, तो ये म्यूऑन आप देख सकते हो कि सोलेनाइडल फीड है तो वो डायरेक्शन चेंज करती है, तो ये इसकी ट्रैजेक्टरी आप देख लो ये कर्व चेंज हो रहा है, और ये जितने आपको एंड पे नजर आ रहे हैं ये म्यूऑन डिटेक्टर्स हैं, क्योंकि म्यूऑन कैच करना इतना आसान नहीं है, बाकी सारे पार्टिकल्स आप देख सकते हो वो एनर्जी डिपॉजिट कर देते हैं अपने जो भी डिजाइन किए गए हैं डिटेक्टर्स के लिए, लेकिन म्यूऑन ऑल द वे निकल जाता है, तो उसके लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जिससे उनको फिर एट द एंड इस सारी इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट करके उस तक पहुंचा जाता है। तो ये था एक ओवरव्यू सन का, LHC का और CMS डिटेक्टर का। अभी हम सारे कोलीग्स हम काम करते हैं CMS के साथ, तो CMS में पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान ने इसमें रेजिस्टिव प्लेट चैम्बर्स एक गैसियस डिटेक्टर्स है म्यूऑन के, उसकी असेंबली में बड़ा काम किया है, पाकिस्तान ट्रैकर में काम कर रहा है पाकिस्तान ने, अभी हम आपको दिखाएंगे ये जो 14,000 टन का ये जो हैवी डिटेक्टर है इसकी जो स्पोर्ट सीट्स हैं और जो योक्स हैं कुछ जिसके ऊपर डिटेक्टर माउंट किए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टन हैवी योक्स हैं, ये पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, तो अभी अच्छा चांस है, अभी हम आपको ये लाइव दिखाते भी हैं नीचे जाके, और इन द मीन टाइम अहमद साहब यहाँ से आपको फर्दर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे, और मैं और नियोमी प्रिपेयर करते हैं ताकि हम आपको वेरी क्विकली सरफेस दिखाएंगे आपको एरिया, और फिर हम हमारे वो होंगे हम आईरी स्कैन वगैरह और वो सिस्टम हमारी ऑथेंटिकेशन नीचे जाने की चेक करेगा, और फिर हम आपको डिटेक्टर दिखाते हैं। ठीक है जी, नोएमी 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 आई एम रेडी तो हम जितनी देर ये प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिफ्ट में जाना है, वहाँ नेटवर्क भी डिस्कनेक्ट होगा, तो हम जो ये ब्रीफ समरी है इसके साथ चलते रहेंगे 5-7 मिनट, और फिर ये नीचे जाके नीचे ऑनलाइन कनेक्ट होंगे तो फिर हम नीचे वाले कैमरा पे स्विच कर देंगे। Trying to say something? Can you hear us? नहीं अब no, हाँ आवाज आ रही है। Talk into it loud. Yeah. To there, look into there, talk into here. Okay, yeah, go. Okay, आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है आपको हमारी आवाज आ रही? आवाज आ रही है? Confirm कर दें please. Don't hear you. Hello, do you hear us? Yes. Okay. So, अभी मेहर प्रिपेयर कर रहा है नीचे जाने के लिए, वो 100 मीटर नीचे जाएगा और इस पे 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, और दरमियान में जो है वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट भी होगा, लेकिन मैं जो है वो जो जिस चीज पे हम बात कर रहे थे मैं उसी समरी को आगे लेके चलूंगा, और फिर 5-7 मिनट में जो है वो ओके इट्स बेटर ओके अहमद वेरी क्विकली मैं बस एक 30 सेकंड्स में इनको दिखा दूं। अच्छा ये अभी आप लोगों को ये जो नजर आ रहा है ये हमारा CMS कंट्रोल रूम है, अभी आप चूंकि ये टेक्निकल स्टॉप है तो आपको ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, चूंकि अभी हमने शिफ्ट क्लोज किए, अदरवाइज यहाँ पर 15-20 लोगों का क्रू फुल टाइम मौजूद होता है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये सारे पैनल्स और ये कंट्रोल्स हैं जिससे सारा सर्विसेज जो कैवर्न्स हैं, इनफैक्ट आपको ये फोटोज भी नजर आ रहे होंगे मल्टीपल कैमरास के, तो ये अंडरग्राउंड जो डिफरेंट कैवर्न्स हैं तो ये वो मेन शाफ्ट है जिससे सारे डिटेक्टर उतारे गए थे, अभी हम जाएंगे और ये सारा जो कंट्रोल होता है और फिर नीचे जो पावर का कंट्रोल है वो सब यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। इन एडिशन टू सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल्स हैं सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी, तो ये केबल्स के थ्रू कंट्रोल है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बाकी शिफ्टर्स होते हैं जोल्टन और
अहमद इस वक्त यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट लीडर जो डेटा क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो फिर उस वक्त मल्टीपल शिफ्ट डेटा क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, डेटा एक्विजिशन के लिए, डिटेक्टर के कंट्रोल के लिए, और एक टीम जो कि फिर इन कॉन्टेक्ट होती है उसके साथ LIC कंट्रोल रूम के साथ, प्लीज LIC कंट्रोल रूम के साथ, तो ये क्योंकि ये स्ट्रांगली कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन होता है। फिर यहाँ पर जो डिफरेंट CMS के सब डिटेक्टर्स हैं ये उनके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, तो हर जो डिटेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, ऑन कॉल एक्सपर्ट्स, उनके जो ऑपरेशन एक्सपर्ट्स वो यहाँ पर होते हैं, तो ये लाइक सब सिस्टम पार्ट है और ये सेंट्रल। सो अब मैं और नौमी अभी हम जा रहे हैं एलिवेटर की तरफ, तो जैसे ही हम एलिवेटर में एंटर होंगे फिर वहाँ पर ओके अहमद और ओके फिर वो कंट्रोल ले लेंगे। तो अभी हम जी नीचे आ रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं CMS, अब इसको आप 15 मीटर ऊंचा कर लें और 21 मीटर लंबा कर लें, तो इस तरह का है CMS डिटेक्टर जिसमें 13 डिफरेंट कह लें कि आयरन की स्ट्रक्चर्स हैं जिसपे डिटेक्टर माउंट किए गए हैं। अच्छा ओके दैट्स इट। सो और ये वेरी फ्यू फोटोज फ्रॉम CMS पीपल, तो बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है, तो कुछ लोगों के फोटोज यहाँ पे लगाए गए हैं। अब मैं और नौमी जाएंगे अंदर, हमारे आईडी स्कैन्स होंगे और अहमद आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हो। ओके सो ये एलिवेटर के अंदर जा रहे हैं, ये जो डोर आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, ये ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एरिया है, तो यहाँ पे जो भी अंदर जाने चाहता है उसके जो है वो रेटिना स्कैन होती है और फिर अगर उसको एक्सेस हो तो फिर दूसरा डोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो मेहर अंदर जा चुका है, अब नौमी जा रही है, तो फिर ये 100 मीटर जो है वो नीचे जाएंगे और 2-4 मिनट के लिए हमारा जो कनेक्शन है इनके साथ वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि लिफ्ट में नेटवर्क नहीं है। फिर ये नीचे जाके जो है वो दूसरे कैमरा से स्विच कर जाएंगे, तो उस दौरान अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी हम ले सकते हैं या फिर हम जो है वो कंटिन्यू जो इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे उसके साथ ही कंटिन्यू रहेंगे। ओके एंड अभी आप देखें जी हम ओके ये हम एलिवेटर के पास आ गए हैं। अभी आप देखेंगे इस वक्त ये एलिवेटर -70 मीटर डाउन से आ रहा है हमारे लिए ऊपर, अभी हमने इसको कॉल किया है। अच्छा ये जो एरिया है जिसपे हम खड़े हैं ये वाला और प्लस ये एलिवेटर, इस ये हाईली प्रेशराइज्ड एरिया है जहां पर इसको डीजल की मदद से प्रेशराइज किया जाता है, तो आइडिया ये है कि इन केस के नीचे कोई भी इमरजेंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल केमिकल फायर व्हाटएवर, इन केस ऑफ एक्सट्रीम वो जो इमरजेंसी सबसे मोस्ट सिक्योर्ड एरिया है। वैसे आप घर में कोई इश्यू होता है इमरजेंसी का तो आप स्टेयर्स पे जाते हो, अब 100 मीटर की स्टेयर्स आप नहीं ले सकते बोझू, तो यहां पर कोई भी इमरजेंसी की सूरत में हमें इस एरिया में या एलिवेटर में आना होता है क्योंकि ये हाईली प्रेशराइज्ड है, तो इसमें कोई फायर कोई चीज एंटर नहीं कर सकती, ये सेफ है। तो अभी हम पूछो सवा मैक्सी, तो आप ये देखें इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, तो ये दो वो हैं जहां पर सर्विसेज हैं हाई, मतलब हमारी जितनी गैसियस सर्विसेज, हमारी पावर सर्विसेज, क्योंकि हमारे डिटेक्टर को हाई वोल्टेज चाहिए लो वोल्टेज चाहिए। ओके सो अहमद यू बेटर टेक द कंट्रोल बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट। ओके 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 कैन यू शेयर दिस। ओके सो हम उसी तस्वीर पे वापस आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे जो है वो डिफरेंट रंग के डिफरेंट आर्टिकल नजर आ रहे होंगे, इनमें से कुछ होंगे जो आपको बिल्कुल सीधी लाइन नजर आएंगी और कुछ हैं जो जो बेंड हुए हैं, तो जो सीधे वाले हैं वो सारे वो हैं जो जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जब कोई ऐसा पार्टिकल डिटेक्टर में से गुजरता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो तो वो मैग्नेट में से बिल्कुल सीधा गुजरता है और वो अपनी एनर्जी जो है वो एक जो कैलोरीमीटर है वहां पे उसको रोक लिया जाता है और वो अपनी एनर्जी डिपॉजिट करवा देता है वहां पे। लेकिन जो मुड़ रहे हैं ये सारे वो हैं जो चार्ज्ड हैं, सो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपको पता है अगर मैग्नेट फील्ड से गुजरता है तो वो बेंड हो जाता है, और वो किस साइड को बेंड होता है ये डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कौन सा है, मुस्बत या मनफी। तो इस तरह आप क्या करते हैं जब कोलाइड करते हैं तो उसके बाद जो डिफरेंट किस्म के पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं
वो इस तरह CMS डिटेक्टर और जो बाकी तीन भी हैं उनमें एंटर होते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो बैंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या वो पार्टिकल जो इसमें एंटर हुआ है उस पर चार्ज है कि नहीं है, और वो किस तरफ को बैंड हुआ है इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि चार्ज उस पर मस्बत है या मनफी है। दूसरा फिर ये होता है कि कितना बैंड हो रहा है, इससे हमें ये भी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसका मोमेंटम कितना है। अगर ज़्यादा मोमेंटम हो तो वो कम मुड़ता है, कम बैंड होता है। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ये कि जो भी एंटर होते हैं हम उनको कैलोरीमीटर में उनको रोकते हैं, फिर उनके पास जितनी भी जो है वो एनर्जी होती है वो रोशनी में कन्वर्ट होती है, और फिर उसको कलेक्ट करके आपको पता चल जाता है कि ये जो पार्टिकल आया था इसमें इतनी एनर्जी थी। तो सॉरी, कैन आई स्पीक और या यू गो अहेड? ओके, थैंक्स अहमद। सो नाउ वी आर -87 मीटर्स डाउन, -87 मीटर नीचे आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे दो सर्विसेज कैवर्न है, जहाँ सर्विसेज है हमारी गैसेज, पावर सर्विसेज है, फिर डेटा जो हम रीड करते हैं फाइबर से यहाँ आता है, वो ट्रिगर की इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी हम आपको ये दिखाएंगे उनमें से एक एरिया, और फिर हम नीचे मजीद फर्दर 10 मीटर जाएंगे और आपको डिटेक्टर दिखाएंगे। तो अभी ये देखें, ये वो प्रेशराइज्ड एरिया है जहाँ पे इन केस ऑफ एनी फायर और वो एनी इमरजेंसी, तो ये सेफ एरिया है। अब हम इससे बाहर जा रहे हैं, ये फायर डोर्स हैं, और अब हम जा रहे हैं सर्विसेज कैबिन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम वाकई में नीचे आ गए। तो ये देखें, ये 87 मीटर अब वो शॉफ्ट है, तो ये लाइट्स आपको इंडिकेट कर रही हैं इसकी हाइट को, ठीक है जी। तो डिटेक्टर वहां नीचे है, तो अभी हम इंटर होने जा रहे हैं सर्विसेज कैबिन में कि आपको हम कुछ सर्विसेज दिखा दें। अच्छा जी, वी कैन ओके। अच्छा, अभी हम वन ऑफ द सर्विसेस कैवर्न में है, दो है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये मल्टीपल ये जो रैक्स हैं, तो ये अब डिफरेंट जो सब डिटेक्टर्स हैं CMS के, उनकी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, पावर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से कुछ डिटेक्टर्स का हाई वोल्टेज पावर, जैसे हमारे डिटेक्टर्स हैं तो उनकी अप टू 10,000 वोल्ट हम उनको हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है, वो है। फिर आप ये फाइबर देख सकते हो, ये फाइबर्स वो हैं जिनसे डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा यहाँ भेजा जाता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप इमेजिन करें कि 100 बिलियन प्रोटॉन्स आप कोलाइड कर रहे हैं 40 मिलियन टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो डेटा रेट इनॉर्मस है, इसको आप सारा कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं, और आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं बहुत हाई एनर्जी पोटेंशियली इंटरेस्टिंग फिजिक्स इवेंट्स के अंदर ओनली, ठीक है जी। तो लो एनर्जी इवेंट्स, नॉइस, इस सब को आपको इस गार्बेज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बड़ा क्लेवर एक सिस्टम है, इसको हम अपना ट्रिगर सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब आता है डेटा तो ये उसको इमीडिएट चेक उसको इन्वेस्टिगेट करता है, फिर देखता है कि उसके अंदर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हाई एनर्जी म्यूऑन्स मौजूद हैं, कीप द डेटा, लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, डिस्कार्ड। जो मेजॉरिटी ऑफ द अनइंटरेस्टिंग डेटा है वो जहां से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो पोटेंशियली इंटरेस्टिंग है सिर्फ उसको फर्दर भेजा जाता है स्टोरेज के लिए, और फिर वो वर्ल्ड के डिफरेंट टीयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, साइंटिस्ट उस पर एनालिसिस करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेटा एक्विजिशन के लिए, ट्रिगर सिस्टम, ठीक है जी। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम नीचे को जा रहे हैं डिटेक्टर कैवर्न में इंटर करने के लिए। ये जो कैवर्न है हमारा, ये आप समझ लें कि 5-story बिल्डिंग है, तो हम उसके 3rd floor पे इंटर होंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम हम बड़े इंटरेस्टिंग एरिया पे हैं। ये आप जो देख सकते हो, ये LHC टनल जो 27 किलोमीटर का है, तो डिटेक्टर शुरू होने से पहले यहां पे एंड हो रही है, ये बाईपास है उस टनल के लिए। तो आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड है, रेडिएशन, नो एंट्रेंस, सिर्फ यहां पर एक बैकअप एलिवेटर दिया गया है जिसके लिए इमरजेंसी कंट्रोल है, क्योंकि ये एरिया बड़ा सेंसिटिव है। आप इमेजिन करें कि ये यस
तो ये देखें तो इसके पीछे एक बैकअप एलिवेटर दिया गया है कि इन केस यहां पर चूंकि आपकी एक तरफ डिटेक्टर है एक तरफ सर्विसेज है कोई इशू हो तो ह्यूमन सेफ्टी के एस्पेक्ट से अदरवाइज इसमें इंटर नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि टनल अंदर से कैसी गुजरती है मे बी वी कैन शो देम इफ यू गो अप अप यस ये देखें तो ये है आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं एलएक्सी टनल में आ गया हूं मैं डायपोल को टच कर रहा हूं ठीक है जी। तो ये एक रियल साइज एक टनल का फोटो यहां पर दिया गया है ताकि जो विजिटर्स आते हैं उनको एक आइडिया देने के लिए कि आप अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन दिस इज एग्जैक्टली टनल हाउ टनल लुक्स लाइक। ये 27 किलोमीटर का टनल है ये वो डायपोल मैग्नेट्स हैं इसके अंदर वो जो दो ट्यूब्स हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया इनफैक्ट वी कैन शो यू हियर। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स ऐसे मूव करते हैं और ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हीलियम से फिल्ड होता है और ये वो सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स हैं जो जो ये टेम्परेचर उनको सुपर कंडक्टिंग बनाता है और फिर वो बेंड करते हैं ठीक है जी। अब हम इंटर होने जा रहे हैं डिटेक्टर में ये वो पार्ट है जिसको ड्यूरिंग लुक्स लाइक मेहर का नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया सो आई विल स्पीक इन द मीन टाइम ही इज बैक। सो अभी वो जिस एरिया में था वो या ओके यू आर बैक नाउ ओके। सो अब हम ये वो जगह है जहां पर कोई विजिटर पूरे साल एक्सेस नहीं कर सकता था और आज ये चांस मौजूद है मैग्नेट ऑफ है रेडिएशन ऑफ है तो अभी हम आपको डिटेक्टर की तरफ हम जाने लगे। अभी अगेन हमारे सारे ऑथेंटिकेशन चेक होंगी हमारे रेडिएशन लेवल्स हमारे सारे कोर्सेज क्या हम एलिजिबल हैं अंदर जाने के लिए तो अदरवाइज सिस्टम आपको रोक देता है कि आप किस लिए सेफ नहीं है या आप कोई कोर्स आपका मिसिंग है तो मल्टीपल चेक्स हैं इस पूरे चेन में। तो अभी मैं जाऊंगा फिर नवमी आएंगी अब सिस्टम मेरी रेटिना से चेक करेगा मेरे सारे ऑथेंटिकेशन और रेडिएशन लेवल। अभी ये अपनी जो रेटिना है वो स्कैन कर रहा है महर तो इस रेटिना की स्कैन पे क्योंकि हर बंदे की जो है वो उसको एक्सेस है कि नहीं अगर एक्सेस हो तो फिर जो नेक्स्ट डोर है ये दो डोर्स है ना तो वो नेक्स्ट डोर ओपन हो जाता है तो वो जो है वो अंदर जा चुका है तो अब जो जो सेकंड है अभी बस नोमी आ रही है और फिर हम इंटर होते हैं। थोड़ा सा नॉइस होगा अंदर चूंकि जो कूलिंग जो ऑन होती है डिफरेंट जो हमारे सर्विसेज रैक्स हैं उस कूलिंग फैंस की काफी ज्यादा होती है उसका नॉइस। तो अभी आप देखें कि ये टाइम है जिसमें एक्सेस है तो ये काफी सारे विजिटर्स ये आप देख सकते हैं ये सब विजिटर्स हैं डिफरेंट बहुत ज्यादा विजिटर्स यहाँ आते हैं इस डिटेक्टर को विजिट करने के लिए। तो आप ये देख सकते थे एक ग्रुप अभी गया है फाइनली जी हम आ गए हैं डिटेक्टर कैवर्न के अंदर और अब आप देख सकते हैं जी CMS तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ये इसका एंड है। तो अब आप इमेजिन करें ये 21 मीटर लॉन्ग है 15 मीटर हाई है और नोमी इफ यू कैन जूम दे विल बी हैप्पी टू सी द पाकिस्तानी फ्लैग ये वी कैन गो देयर यस। तो अभी आपको पाकिस्तान के झंडे भी दिखाते हैं जो कि जो मैंने आपसे आयरन स्ट्रक्चर जिक्र किया था जो पाकिस्तान में बनाई गई थी जिसके अंदर फिर डिटेक्टर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आप ये देखें ये आयरन की योक है इसके अंदर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं ये जो पाकिस्तानी फ्लैग तो ये पाकिस्तान का ये कंट्रीब्यूशन था ये अब आप इमेजिन करें कि ये इतना बड़ा हैवी टन्स थाउजेंड्स ऑफ टन्स हैवी स्ट्रक्चर और फिर उसकी यूनिफॉर्मिटी सो इट वॉज अ बिग मैकेनिकल चैलेंज इसको बनाने के लिए। तो बीम वहां से आ रही होती है अच्छा वो टनल वहां पर रुकी फिर उसमें यहां पर होते हैं क्वाड्रोपोल मैग्नेट्स क्योंकि फिर बीम को आप कोलिजन से पहले एक तो उसको हेड ऑन करते हो प्लस आप बीम को स्क्वीज करते हो ताकि आप उसको ना बहुत एक माइनर एक एरिया के अंदर उसको आपने कोलाइड करवाना होता है तो यहां से बीम को फोकस करके फिर डिटेक्टर के बिल्कुल सेंटर में इसको कोलाइड करवाया जाता है। अच्छा ये जो आपको मैंने छोटा सा प्रोटोटाइप ऊपर दिखाया था ये 13 डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको फिर जब लंबे स्टॉप होते हैं जब अंदर मेंटेनेंस करनी है आप इमेजिन करें थाउजेंड्स ऑफ टन्स हैवी पीसेस को खोलना तो ये एक पुश बैक सिस्टम है ये जो आपको ऑरेंज नजर आ रहा होगा तो ये एक बड़ा स्पेशल हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके जरिए इन
डिफरेंट 13 जो पीसेज हैं इनको सेपरेट किया जाता है और फिर हम ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है हाइट पे काम करने के लिए सीजर लिफ्ट चेरी पिकर वगैरह क्रेन्स मौजूद हैं उसके जरिए हम फिर उनको एक्सेस करते हैं, नए डिटेक्टर लगाने हैं या पुरानों की मेंटेनेंस करनी है, ये सारा काम। प्लस ये नोमी अभी आपको दिखा रही है शाफ्ट, ये देखें ये मेन शाफ्ट है, तो ये जितने ये 13 पीसेज हैं डिटेक्टर्स के, फिर जिसके ऊपर फिर हंड्रेड ऑफ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ये सारे असेंबल किए गए थे सरफेस पे, फिर उनको यहां से इन थाउजेंड्स ऑफ टन हैवी पीसेस को वन बाय वन स्पेशल क्रेन्स के थ्रू यहां से लोअर किया गया था और फिर यहां पे इन साइड उनको मूव करके तो इस तरीके से सीएमएस को असेंबल किया गया था। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप थाउजेंड्स ऑफ टन हैवी, वी कैन ऑल्सो कंटिन्यू गोइंग डाउन, थाउजेंड्स ऑफ टन हैवी पीसेस की बात कर रहे हैं, प्लस बहुत ही आप सेंसिटिव डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, फिर यहां पर आप इवन फ्यू मिलीमीटर्स की भी मिसअलाइनमेंट आपके डेटा को इंपैक्ट करेगी, तो उसके लिए फिर लेजर अलाइनमेंट सिस्टम और मतलब हर स्टेप पे इतनी ज्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और बहुत ज्यादा केयर इन्वॉल्व है, वरना बहुत इजीली आपका डेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग बाइस्ड हो सकती है। नोमी डू वी हैव द अभी हम कोशिश कर, अब देखें मैग्नेट ऑफ है, मैंने आपको बताया कि सीएमएस अच्छा, और जो सीएमएस का मैग्नेट है वो इसके सेंटर में है, उसके थाउजेंड्स ऑफ टन्स सराउंडेड बाय डिफरेंट डिटेक्टर मटेरियल, और अभी वो ऑफ है, लेकिन स्टिल कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स ट्राई। अब ये डिटेक्टर की वो आयरन फीड्स हैं, ये देखें, तो अभी आप देखें कि स्टिल देयर इज इनफ रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें ये खुद से उस पर चिपक रहा है, इवन में नॉट दिस वन, तो ये देखें, तो ये आप देख रहे हो कि इस वजह से जब मैग्नेट ऑन होता है तो फिर तो इसमें और मेडिएशन ऑन नो एक्सेस, और फिर जब एक्सेस होती भी है तो अब हमने अंदर कोई क्विक काम करना है, कोलिजन स्टॉप करवाई है स्पेशल उसके लिए, उनको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और डेडिकेटेड नॉन मैग्नेटिक टूल्स के पास आना पड़ता है, अदरवाइज इमेजिन करें मैग्नेटिक टूल तो फिर अंदर आप काम, जब ऑन हो फील्ड, अभी ऑफ है बट स्टिल यू कैन फील द रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, तो उन केसेस में हम एक्सेस करते हैं बगैर कैमरा के, बगैर फोन के, बगैर क्रेडिट कार्ड के, क्योंकि वो चिप्स डिस्ट्रॉय कर देती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपको ये आइडिया हो रहा है कि इवन इन ऑफ कंडीशंस मच फार अवे फ्रॉम द सोलेनोइड मैग्नेट स्टिल यू हैव रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक थैंक्स टू नोमी, ये एक अच्छी डेमोंस्ट्रेशन थी। अच्छा अब हम आपको वेरी क्विकली, तो अच्छा ये है उस डिटेक्टर का एज, अच्छा इसको मेंट कैप बोलते हैं, तो इसके अंदर डिटेक्टर्स योक के साथ ऐसे वर्टिकली लगाए गए हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर डिटेक्टर्स को एक उनको हम व्हील्स बोलते हैं, तो वो इस तरह के मल्टीपल लेयर डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं सेंट्रल पार्ट में, तो ये टोटल 13 वो हैं। इस वक्त ये जो एंड पे आपको म्यूऑन डिटेक्टर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने फोटो में देखा था सेंटर में कोलिजन होती है तो वहां ट्रैकर है, फिर कैलोरीमीटरी है, फिर सोलेनोइड मैग्नेट और फिर सारे म्यूऑन डिटेक्टर्स, तो ये जितने इस रेड योक के अंदर जो इस वक्त डिटेक्टर्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज हैं, रेजिस्टिव प्लेट चैम्बर्स हैं, कैथोड स्ट्रिप चैम्बर्स हैं, ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं, और अभी एक नई टेक्नोलॉजी जेम इंस्टॉल की गई है, तो ये सारे म्यूऑन के डिटेक्टर्स हैं। सो मे बी वी कैन क्विकली पास बाय, और ओके लेट्स गो। ओके सो अब हम आपको एक क्विक व्यू ऊपर से देते हैं और फिर हम ऊपर चलते हैं। अच्छा अब ये इमेजिन करें कि ये 100 मीटर अंडरग्राउंड ये फैसिलिटी है, तो इसको जितनी सर्विसेज हैं वो सरफेस से आ रही हैं, और प्लस फिर हमारे सर्विसेज कैवर्न्स हैं जिसके अंदर फिर वहां से इसकी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और प्लस कुछ सर्विसेज आप यहाँ पे ये ब्लू जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो ऑन डिटेक्टर सर्विसेज हैं, क्योंकि एक डिटेक्टर है तो आप इमेजिन करें आपने उसको पावर कर रहा है, आपने फिर उसको
डेटा लेना है, कैन वी गो देयर? हां या इट्स बेटर। अब हम जी आपको एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग व्यू दिखाते हैं, इससे आपको एक आइडिया होगा। तो ये देखें जी, अब हम इसके आगे हैं फोर्थ फ्लोर पे, अभी हम फोर्थ फ्लोर पे खड़े हैं। अब आपको ये नजर आ रहा है, ये यहां से बीम इंटर हुई, इससे आगे डिटेक्टर स्टार्ट होते हैं। और अगर कैन वी शो द हीलियम टैंक, अगर आप देख सकें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे मेरी उंगली की सिम्प में, ये वो हीलियम टैंक है जहां पर सरफेस से हीलियम आती है और फिर यहां से वो जो सोलेनाइड मैग्नेट जो डिटेक्टर के सेंटर में है उसको भेजी जाती है नायोबियम टाइटेनियम को कूल डाउन करने के लिए, उसको सुपर कंडक्टिव बनाने के लिए। तो वो हीलियम टैंक है। और फिर ये जो आपको ब्लू रैक्स नजर आ रहे हैं, ये ऑन डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे आप एक डिटेक्टर है उसके ऊपर फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है, तो कुछ डिटेक्टर की जो पावरिंग, जो उनका लिंक सिस्टम, उनका जो डाटा एक्विजिशन का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो यहां पर भी मौजूद है। और प्लस आपने एक सर्विस कैबिन देखा और एक कोर है, तो ये हमारी सारी डिटेक्टर की सर्विसेज हैं। तो ये सारा कैबिन है। और जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप ये रेड स्ट्रक्चर जो अगर आप देख सकें ये सामने, तो ये एक्सट्रीम केस में के वैसे यहां पर बहुत ज्यादा सेफ्टी सिस्टम्स हैं, डिटेक्टर को कट ऑफ किया जा सकता है सॉफ्टवेयर से। फिर मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर कंट्रोल है, डीएसएस डायरेक्ट सेफ्टी सिस्टम। इन एडिशन ये एक स्पेशल फॉर्म है इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट, ये पूरे डिटेक्टर को भर देता है खास किस्म के एक फॉर्म से, समझ लें आप क्लाउड टाइप एक फॉर्म से। तो ये एक्सट्रीम एक सेफ्टी स्टेप है। तो आप मतलब ये इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर सेफ्टी की प्रायोरिटी है, उसके लिए मल्टीपल जो लेवल्स की इंश्योर की जाती है सेफ्टी मेजर्स। सो ओके वी, अब हम आपको क्विकली इसके दूसरी साइड भी दिखा देते हैं फोर्थ फ्लोर से, क्योंकि नीचे काम हो रहा है वहां पे हमें परमिशन नहीं है, क्योंकि वहां पर क्रेन्स और लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम नीचे नहीं जा सकते। क्विकली ऊपर से दिखाते हैं और फिर हम वापस चलेंगे ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज। अब हम डिटेक्टर के साथ साथ फोर्थ फ्लोर से चले जा रहे हैं। अभी आपको आवाजें ज्यादा नहीं आ रही, लाइट्स नजर नहीं आ रही, क्योंकि डिटेक्टर को ऑफ किया गया है। और जब पर्सनल ने आके नीचे काम करना होता है तो ऑफ कोर्स फिर आपको डिटेक्टर को ऑफ किया जाता है। अच्छा, ये ऑन ऑफ करना भी यहाँ पे ना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और ये बड़ा रिस्की प्रोसेस है, तो इसको बड़ा प्लान किया जाता है। ओके अच्छा, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज हमें अभी अभी नजर आई है, क्योंकि जो कॉर्नर ऑफ द डिटेक्टर है ये, अगर आप देखो इसको मूव किया गया है कल, तो ये अपनी पोजिशन पे नहीं है। इस डिस्क को अभी अब हम आपको इसको खुला हुआ पार्ट दिखाते हैं, तो ये लकी टाइम है कि आप इसको आज देख सकोगे। ओह वाओ, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये देखें, अब जब डिटेक्टर ऑपरेशन मोड में होता है तो ये वाला जो पार्ट है, ये नोज, ये उसके अंदर होती है, ये कंप्लीटली क्लोज होता है। लेकिन जो कि एयर एंड टेक्निकल स्टॉप है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी थी सिर्फ कुछ काम करना था इन डिस्क के ऊपर, तो इनको कल मूव किया गया है। अब वो आप देखें, ये नीचे टेक्नीशियन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो देखें वो ग्रीस को साफ कर रहे हैं। तो पहले पूरे सरफेस को ग्रीस किया जाता है और फिर स्पेशलिस्ट हाइड्रोलिक पंप से, इससे फिर इसको मूव किया जाता है। अभी ये फ्रेश मूव है, तो आप देखें उस ग्रीस को साफ किया जा रहा है। तो ये इसको अभी अभी रिसेंटली, अब आप इमेजिन करें कि थाउजेंड्स ऑफ टन्स को मूव करना इस आल्सो अ चैलेंज। अच्छा, अब आप सोलेनाइड मैग्नेट देख सकते हो, ये जो आपको सिल्वर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये राउंड, थैंक्स, ये सिल्वर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, आई कैन पुट इट लाइक दिस, परफेक्ट। ये जो सिल्वर स्ट्रक्चर है आपका, ये है सोलेनाइड मैग्नेट। ये आप उसका ये वाला कॉर्नर देख रहे हो, फिर ये सेवरल मीटर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 मीटर्स ये लंबाई में है। इसके अंदर 5 नायोबियम टाइटेनियम कॉइल्स हैं सुपर कंडक्टिंग, और इसको फिल किया जाता है उस हीलियम से। और जो कोलिजन पॉइंट है वो आपको बीम पाइप नजर आ रहा होगा, फिर उसके बिल्कुल डिटेक्टर के सेंटर पे कोलिजन होती हैं,
और ये जो आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ डिटेक्टर नजर आ रहा है, रेड जोक्स के दोनों तरफ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, सोलेनाइड के बाहर सारे म्यूऑन डिटेक्टर्स हैं, और ट्रैकर और कैलोरीमीटरी इसके अंदर है। इसी तरीके से ये म्यूऑन डिटेक्टर्स हैं, इस तरफ को सारे सेंटर में कैलोरीमीट्री का एंड कैप पार्ट है, और ये सारे जो हैं ये म्यूऑन डिटेक्टर्स हैं। तो ये अब आपने एक इसका ओपन मोड में भी दो डिस्क देख ली हैं, लेकिन अगला नेक्स्ट पूरा साल ये दोबारा से बंद हो जाएगा, और फिर एक साल तक कोई एक्सेस नहीं होगी, और फिर इसको दोबारा से कोलिजन स्टार्ट होंगी और कोई एक्सेस इसका नहीं होगा। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा था ये एक यूनिक टाइम है, आप देखें लोग काम कर रहे हैं, क्रेन्स अवेलेबल हैं, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपका डिटेक्टर है, आपको इस पर कोई मेंटेनेंस करनी है या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करनी है, तो आप देख सकते हैं कि इसको करने के लिए आपको कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको रेडिएशन क्लोज करनी है, आपको टीम्स चाहिए, आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, फिर आपको वीक्स की प्लानिंग चाहिए, फिर इस डिस्क को मूव करना है एक अनदर चैलेंज है, फिर आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म से क्रेन से उसके साथ काम करना है, फिर उसको कमिशनिंग करनी है, फिर उसको डबल चेक करना है, फिर बड़े सेफ्टी टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जिन पाइप से आपकी कूलिंग जा रही है तो आपका प्रेशर भले एक बार से भी कम हो, लेकिन सेफ्टी रूल्स ये कहते हैं कि आपको इसको 20 बार तक क्वालिफाई करना है कि इसमें कोई लीक ना हो। तो ये बहुत लंबा और बड़ा कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मतलब इसको कहा जाता है कि दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक अटेम्प्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो अब आपको एक उसका एक ओवरव्यू मिला होगा। ठीक है जी अहमद, अब आप ले सकते हो एंड वी आर कमिंग अप, सो वी कैन। ओके अच्छा जी, तो मेहर ने आपको डिटेक्टर का पार्ट दिखाया और डिफरेंट सर्विसेज एरिया दिखाया, तो इसके मेनली दो पार्ट हैं। एक पार्ट जिसमें रियल डिटेक्टर इंस्टॉल्ड है, उसको जो है वो कंक्रीट की एक दीवार जो 8 मीटर चौड़ी है उससे जो है वो क्लोज किया गया है ताकि जब कोलिजन हो रहे हो तो उसमें कोई रेडिएशन बाहर ना आए, और जो दूसरा एरिया है यहाँ से जो वो पहले गुजरे थे जो जहाँ पे फाइबर और सर्विसेज एरिया दिखाए वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है उसको दो हिस्सों में है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिटेक्टर के ऊपर और डिटेक्टर के करीब है वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेट होता है और रेडिएशन भी होती हैं, तो वो रेडिएशन हार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है और उसको डिटेक्टर के करीब होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो डिटेक्टर से थोड़ा दूर भी हो सकती है और जो रेडिएशन हार्ड नहीं है उसको जो है वो सर्विस कैरवन में जो है वो इंस्टॉल किया गया, लेकिन वो तो अभी ये जिस एरिया से गुजर रहे हैं ये सर्विस एरिया है जो वो डिटेक्टर वाले पार्ट से ये एग्जिट हो चुके हैं। इस रूम को जो जो ये स्टेयर्स के ऊपर वाला रूम है इस रूम को सर्विस एरिया भी कहते हैं, काउंटिंग रूम भी कहते हैं। तो ये जो है वो टोटल जो अंडरग्राउंड एरिया की थी वो डिस्क्रिप्शन है। अब वो वापस आएंगे ऊपर, इस टाइम में अगर कोई क्वेश्चन है आप कोई स्टूडेंट या किसी का इतनी देर में तो वो क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी, तो किसी का कोई सवाल हो कुछ पूछना चाहते हो तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि किस चीज को ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्या ये बेसिकली दो पार्टिकल्स की कोलिजन आप कैसे कैसे मतलब इंश्योर है इस बात पे कि दो पार्टिकल्स ही है, तीसरा कोई पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, न्यूट्रिनोस वगैरह नहीं? न्यूट्रिनोस होते हैं बेसिकली जब हम जी जी आ रही है, मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिया, तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, फिर अगर आप कुछ पार्ट रह जाए तो फिर आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा इसी पे। सो जब हम इनको टकराते हैं तो ऐसे नहीं होता कि एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, ये एक एक बंच होता है, एक बंच दूसरे बंच से जो है वो कोलाइड करता है। तो अच्छा जब वो टकराते हैं तो बहुत सारे किस्म के पार्टिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं। डिटेक्टर क्या करता है, उसमें जो सारे एंटर होते हैं वो उन सब को रिकॉर्ड करता है,
हर कोलिजन में. सो हर कोलिजन में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ था, हर कोलिजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, कितने मियोन्स प्रोड्यूस हुए थे, ट्रैकर में कितने ट्रैक्स आए थे, ये हर चीज रिकॉर्ड की जाती है. लेकिन जो बात आप पूछ रहे हैं न्यूट्रिनो की, न्यूट्रिनो क्योंकि बहुत वीक इंटरेक्शन करता है तो वो डिटेक्टर में कैप्चर नहीं होता, वो डिटेक्टर से जो है वो एस्केप कर जाता है. लेकिन हम क्या करते हैं, मैथ को यूज करते हुए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी बीम होती वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी ना. तो आप इमेजिन करते हैं कि आपको पता है कि जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में वो कंजर्व होना चाहिए, ठीक है. इसको आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं. तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मोमेंटम जो है वो आपके डिटेक्टर से मिस हो गया है. तो आप क्या करें कि तो बेसिकली आप जो उनका अगर आप वेक्टर सम करें उन तमाम पार्टिकल्स का जो आपके डिटेक्टर में आए हैं, अगर उनका वेक्टर सम जीरो के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कोई न्यूट्रिनो या कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं हुआ था जो आपके डिटेक्टर से एस्केप हो गया. अगर कुछ मिसिंग है तो वो जो मिसिंग होता है वो उनको असाइन किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं मिसिंग ट्रांसवर्स एनर्जी, आप उसको कह लें. तो ट्रांसफर डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं और मैथ को यूज करते हुए आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी मिसिंग है, क्योंकि उनका सम जीरो होना चाहिए, वेक्टोरियल सम. हेलो, आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही. Can we turn on my video? They are interested. Yes. Now yes. Meher bhi wapas aa gaya. Good. Meher zinda salamat wapas aa gaya ji. Jihad se. Okay. Sorry, I can't. Chalein, chalein. Next question ya agar aapka follow up hai to aap. Ji. जी, क्वेश्चन ये है कि आमतौर पे हम फिजिक्स में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल की तरफ जाएं. तो कुछ पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं और हमें कुछ चीजें उनके बारे में पता है. क्या मुमकिन तौर पर चांसेस है कि जिन पार्टिकल्स के बारे में अभी हमने जाना है क्या वही फंडामेंटल पार्टिकल्स हो, क्या पता फ्यूचर में जो है मजीद उनमें से कुछ बाहर निकल जाए. या एक और इसी सवाल के साथ एक और चीज एसोसिएटेड है, वो ये कि क्या जरूरी है कि पार्टिकल्स का मजीद इसमें यानी होना या इसके अलावा कोई इंटरेक्शन हो सकती है या कुछ किस्म के नेचर या यूनिवर्स में पोटेंशियल्स हैं जो कि इसको जो है अपनी वो प्रॉपर्टीज दे रहे हैं रादर देन कि हम हर चीज को पार्टिकल्स से एसोसिएट करें. ओके, मैं आपको ना इसमें एक वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू. अच्छा, मैं आपको एक जनरल ओके अहमद साहब प्लीज आप रिप्लाई करना चाहते हैं. तो आई मीन पार्टिकल, अगर आप किसी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से पूछेंगे ना कि क्या नेचर की जो रियलिटी है वो पार्टिकल है या फील्ड्स हैं, तो आई मीन दे डोंट टेल यू, बट रियलिटी इज फील्ड नॉट पार्टिकल. जो पार्टिकल है ये किसी भी फील्ड के कॉन्सिक्वेंसेज में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. तो जो नेचर की रियलिटी, अगर आप नेचर को प्रॉब करना चाहते हैं, वो डिफरेंट किस्म के फील्ड्स हैं और हर फील्ड से एसोसिएटेड एक पार्टिकल होता है. क्योंकि हम फील्ड को मेजर नहीं कर सकते तो हम उससे एसोसिएटेड पार्टिकल को मेजर या डिस्कवर करते हैं, जो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है उस फील्ड की एग्जिस्टेंस का. ऐसी एक थ्योरी जो आप हिग्स फील्ड के बारे में सुनते हैं, तो प्रिंसिपली वो पोटेंशियल और फील्ड था जो अज्यूम किया गया, और अज्यूम किया गया कि वो फील्ड रिस्पॉन्सिबल है जो दूसरे सारे पार्टिकल्स को मैस देता है. लेकिन क्योंकि आप फील्ड एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, उसको फाइंड नहीं कर सकते, तो उस हर फील्ड से एसोसिएटेड जो पार्टिकल है, जो हिग्स फील्ड से एसोसिएटेड हिग्स बोसॉन है, वो बेसिकली फाइंड किया गया, डिस्कवर किया गया, और वो उस चीज का प्रूफ है कि वो फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है. और मैं इसको सॉरी जी आप बताइए. थैंक यू. अच्छा, मैं एक क्विक इसमें आपको एक कमेंट ना आपके स्टूडेंट्स के लिए वेरी जेनेरिक, अब जरा ना ब्रॉडर उस लेवल पे कि आप देखो, जो हम जब बात करते हैं
नॉन यूनिवर्स की, तो हमें लाइक हम इसके बहुत थोड़े से पार्ट से अवेयर हैं, वो जो जैसे 4-5% जो हमारा जो मैटर जिसको हम कहते हैं ना, फिर इसके 5 times अराउंड 25% तो डार्क मैटर है जिसका हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि ये है, क्या है, कैसे है, किस फॉर्म में है, वी डोंट नो। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी एक बुक में, क्राउज क्या नाम है वो अमेरिकन, वो जो एथियस्ट हैं, लॉरेंस क्राउज को मुझे नाम भूल गया, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा कि देर आर थिंग्स इन यूनिवर्स दैट वी नो मैटर, देर आर थिंग्स वी नो दैट वी डोंट नो डार्क मैटर, एंड उसके बाद वो कहता है कि हमें देर आर थिंग्स वी डोंट इवन नो दैट वी डोंट नो। तो लाइक के उसका ना वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो बेसिकली एक और साइंटिस्ट का मैंने बड़े इंटरेस्टिंग एक वो कोटेशन पढ़ी, वो कह रहा है कि जितना हम साइंस को इनडेप्थ जा रहे हैं ना, वो हमें अपनी इग्नोरेंस का पता चल रहा है, द मोर नॉलेज इज शोइंग यू दैट वी आर इवन मोर इग्नोरेंट। तो द वॉल्यूम ऑफ जो अननोन है वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें अच्छा ये अच्छा इवन जब हम विजिबल यूनिवर्स की बात करते हैं तो वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं इवन दैट। तो पॉइंट ये है कि आप जो बात कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ी सीनियर लेवल के प्रोफेसर जो साइंटिस्ट इस पे बात भी करते हैं कि मे बी कि हमें अपने जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चूंकि आप चलते हो आपके पास स्टैंडर्ड मॉडल है तो आप उन प्रिडिक्शन पे चल रहे हो, उसमें मिसिंग थी एक्स बोसॉन था, आपने वो एनर्जी जनरेट की, ठीक है ना, जैसे अहमद ने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हो सकता है कि आप जैसे यंग ब्राइट माइंड आए और कुछ नए आइडियाज के साथ आए, ग्रैंड यूनिफिकेशन की कुछ करे कुछ ना, तो हमारा टाइम तो अब क्लोज है अहमद साहब, हम तो मसला पकड़ेंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मे बी इस पे ना ये बड़ी बात हो रही है कि हमें अपनी अप्रोच को जिस तरीके से हम देखते हैं चेंज करने की जरूरत है, तो उसमें पोटेंशियली बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है जो आप सारा इशारा कर रहे हो। You don't hear you. We can't hear the lady, sorry. Hello? Can you hear now, me? Yes. Yeah. Yes. Now, can yes. you find the detection mechanism of the muon particle? Muon particle ki detection ka jo mechanism hai, jo phenomena hai, uske baare mein agar aap details dein kuch to. जी श्योर मैं दो, क्योंकि मैं म्यूऑन पे काम करता हूँ। ये आपने मेरे दिल के बड़ा करीब क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं 8 सालों से म्यूऑन डिटेक्टर्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं आपको एक डिटेक्टर की एग्जांपल देता हूँ तो आपको उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक तो ये है कि म्यूऑन का जो कुछ लाइफ टाइम ज्यादा है ना, वो जो डिके करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो वगैरह में, तो वो तो CMS की रेंज से बाहर है, तो इसलिए आप ये जो फोटो भी देख रहे हो वो चला जाता है। उसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंट गैसियस डिटेक्टर्स लगाए हैं इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक डिटेक्टर है, जैसे इन केस मेरा रेजिस्टर प्लेट चैम्बर्स है, तो हम उस पर 2 electrodes हैं, ठीक है, वेरी हाई रेजिस्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, हम बेकलाइट यूज करते हैं, उसको हम एक सर्टन गैसेस हमने काफी सालों की R&D करके उस पर सिलेक्ट किए हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये सारी प्रॉपर्टीज देख के, तो जिनका गैस गेन मतलब रीजनेबल है, तो वो म्यूऑन जब पास करता है उस गैस में से, अब हम एक सर्टन गैस मिक्सचर यूज करते हैं फ्रीऑन आइसोब्यूटेन वगैरह और SF6, तो वो उसके गैस के एटम को आयनाइज करता है, वो एटम फर्दर को आयनाइज करते हैं, तो इस तरीके से एक एवलांच बनता है। फिर हम अभी जो मैंने आपको सर्विस कैबिन में एक हाई वोल्टेज जो रेड केबल्स आपको नजर आई होंगी 10,000 volts जो हम अप्लाई करते हैं, तो वो इन डिटेक्टर्स को जा रही हैं, तो वो जो फील्ड जनरेट करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करते हैं, और फिर वो आके जो रीड आउट पैनल है उसके ऊपर अपना चार्ज डिपॉजिट करते हैं, उससे हम उस चार्ज से उस पासिंग जो म्यूऑन है उसको लेट्स से कि उसकी हिट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर आपके पास मल्टीपल लेयर डिटेक्टर्स हैं, फिर हम उनको आपस में उसको ट्रैक को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हम ट्रैकर से चूंकि वो चार्ज पार्टिकल है उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम ये जो जाता हुआ म्यूऑन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को लेयर्स में क्रैक करके फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट बैक करते हैं, फिर देखते हैं पीछे जो फर्दर एनालिसिस से, अच्छा ये म्यूऑन हिग से जनरेट हुआ या ये किस किस प्रोसेस से जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से जब ये डेटा स्टोर होता है, फिर इसके ऊपर ये काम होता है, जब जो हमारे जितने भी फिर एनालिस्ट हैं जो उसको स्टडी कर रहे होते हैं, फिर वो फर्दर ना बैकग्राउंड को हटाना, फिर ये किससे आया था, वर्टेक्स को देखना, तो ये इस तरीके से म्यूऑन को। और म्यूऑन इंपॉर्टेंट है चूंकि जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, चूंकि ये जो डिटेक्टर का नाम क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनाइड, ठीक है जी,
सोलेनाइड तो आपने देख ली, ये जो बेंडिंग और ये सारा फील्ड, तो म्यूऑन इसके नाम में आता है, तो इट मींस कि म्यूऑन बहुत इंटरेस्टिंग पार्टिकल है. तो जो मैंने आपको ट्रिगर सिस्टम ऊपर दिखाया था उसमें इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को डिस्कार्ड करने के लिए म्यूऑन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एक हाई एनर्जी म्यूऑन एक इवेंट के अंदर मौजूद है, इट मींस कि ये पोटेंशियली इंटरेस्टिंग फिजिक्स इवेंट है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल सकता है. तो हम ट्रिगर कहते हैं वो एक इंटेलिजेंट जो हमारा ट्रिगर है कि कीप दिस डेटा, दिस कैन बी पोटेंशियली इंटरेस्टिंग, ठीक है ना. तो इस वजह से म्यूऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो म्यूऑन को हम फिर एज अ ट्रिगर लेट्स से जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो इसको इनको यूज किया जाता है. तो इसकी मोर देन मतलब फिजिक्स ऑफ कोर्स एंड प्लस ट्रिगर पे इसकी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है. आई होप आई वाज क्लियर. अच्छा, और जो क्वेश्चन है बताइए, और फिर एट एंड में आपको क्विकली मैं चाह रहा हूँ कि बंद करने से पहले ना आपको एक ओवरऑल एक क्विक एक आइडिया दे दूँ कि जहाँ पे आप सर्च करते हैं जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप सारे पाकिस्तानियों के लिए. इनफैक्ट सर, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि बेसिकली फंडामेंटली जो है वो फील्ड एग्जिस्ट है, फिर हमने भी पढ़ा ये लास्ट ईयर में पढ़ा था हमने थ्योरेटिकल फिजिक्स में कि जब फील्ड एक्साइट होती है तो पार्टिकल जनरेट होता है वहां पर. तो सर बेसिकली लूप क्वांटम ग्रेविटी में हम ये पढ़ते हैं कि बेसिकली हर चीज जो है वो फंडामेंटली, वो प्रूफ तो नहीं है जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि हम उसको पढ़ते हैं कि बेसिकली फील्ड है जिसको हम लूप और स्पिन फॉर्म एक्सेट्रा ये चीजें उसमें होती है. तो क्या फील्ड के एक फंडामेंटल फील्ड है जिसमें फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको हम पार्टिकल कहते हैं बाद में? डिफरेंट फील्ड है ना, और हर फील्ड की एक्साइटेशन से उस फील्ड का एसोसिएटेड पार्टिकल प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ई प्लस ई माइनस और फोटोन से एसोसिएटेड है, हिग्स फील्ड हिग्स से एसोसिएटेड है. तो हर फील्ड के एसोसिएटेड पार्टिकल डिफरेंट होगा ना. एग्जैक्ट लास्ट वन के लिए पार्टिकल जनरेट होता तो वो क्वांटम फील्ड को जो क्वांटम लूप ग्रेविटी है उसमें वो फील्ड को डिस्टर्ब करता है, तो टाइम डायलेशन और ये कांसेप्ट आता है और ग्रेविटी का कांसेप्ट आता है. तो वो फील्ड उस फील्ड को फंडामेंटली तौर पर एक बेस है, फिर उसके ऊपर ही वो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. I fail to understand this last part. कैसे आप connect कर रहे हैं ना उसको? मैं कह रहा हूँ कि सर हम कहते हैं कि loop quantum gravity को हम stage मानते हैं ना, stage के तौर पर कि उस पर सारा जो है कोई भी particle अगर उसमें आता है तो उस field को disturb करता है. यानी कोई भी particle आता है तो उस field में आता है तो gravitational effect पैदा होता है, time dilation का effect पैदा होता है. तो अगर पार्टिकल फील्ड है तो मतलब फील्ड जो है एक फंडामेंटल फील्ड को इफेक्ट करती है. हम ये कहते हैं कि एक फंडामेंटल फील्ड है उसके ऊपर बाकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ये आइडिया लूप क्वांटम ग्रेविटी का. जी मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ बात कर रहे हैं. हाँ पार्टिकल फील्ड नहीं है आप, लेकिन आप ठीक कह रहे हो कि जो 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 भी फंडामेंटल फील्ड है उसके साथ एसोसिएटेड एक पार्टिकल. तो अगर आप ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हो तो उसमें ग्रेविटॉन आ जाता है. पर ये कैसे हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर सके, चलिए इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे. आप भी गलत कनेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं. हाँ, जो इसको फर्दर आपको, लेकिन इट्स ओके अच्छा है आप क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे तो वो होपफुली कोई वाइज आदमी आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देगा. Are there any more questions or हम उस पे बात कर लें थोड़ा सा? Can you speak louder, please? Sorry, we could barely hear you. How? Okay. In what speed protons or any fundamental particles are released from the detector and how their speed is managed? How particles are produced inside the detector? Sorry? Not produced, released. Mic karib kare. Speed. Distortion aa raha hai aapko kisi aur ko agar question hai. Agar aap question repeat kar sakte hain jo mic ke kareeb hai agar aap please. Aap repeat kar dein. Baat aa rahi hai? Ji aa rahi hai, kuch echo aa raha hai. Repeat kar dein question please. Aap bole.
स्पीड से प्रोटॉन रिलीज होते हैं और स्पीड मैनेज कैसे करते हैं स्पीड से प्रोटॉन रिलीज पहले तो प्रोटॉन लेते हैं आप हाइड्रोजन से फिर उनको जस्ट अब हम इस टॉपिक पे आ गया ना तो ये अच्छा एकदम से वो इतनी स्पीड और एनर्जी गेन नहीं करते इसका पूरा एक प्रोसेस है जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना पहले फर्स्ट गियर पे फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ इसी तरीके से डिफरेंट एक्सेलरेटर्स हैं बूस्टर है बूस्टर के बाद जाता है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के बाद है एसपीएस सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन फिर आता है एलएसी रिंग तो हर स्टेप के ऊपर ये प्रोटॉन फर्दर स्पीड गेन करता है फर्दर एनर्जी गेन करता है फर्दर स्पीड फर्दर एनर्जी एट द एंड ये आता है इस एलएसी रिंग में अच्छा अब उसके अंदर आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशंस होती हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि आपने इस सर्कुलर कोलाइडर को 27 किलोमीटर का क्यों बनाया आप छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी अच्छा बड़ा बनाना वैसे ज़्यादा बेहतर है उससे आप फर्दर उसको आपको कंट्रोल आएगा बट द पॉइंट इज फिर कॉस्ट फैक्टर आ जाते हैं और दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं तो 27 किलोमीटर को इसीलिए चूज किया गया एक ऐसी वैल्यू कि जहां पर आप कोप कर सकें उन रेडिएशंस को भी और अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से भी प्लस फिर मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटॉन जा रहे होते हैं वो अल्ट्रा हाई वैक्यूम में जा रहे होते हैं ताकि वो इंट्रैक्ट ना करें किसी भी पार्टिकल से ऑन द वे वो प्योर वैक्यूम में जा रहे होते हैं और फिर उनके ऑफकोर्स डेडिकेटेड डिपार्टमेंट से और फिर उसको कंट्रोल के लिए एक दूसरा आई गेस आपका जो क्वेश्चन रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड से क्योंकि अब आपने उसको बेंड भी करना है तो वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उसका टूल है मैग्नेटिक फील्ड से आप उसको बेंड कर सकते हो डायपोल से डायपोल मैग्नेट से और जहाँ पर आपने उसको क्लाइड कराना है उससे पहले हम उसको फर्दर फोकस करना चाहते हैं तो क्वाड्रोपोल मैग्नेट्स हैं तो ये मैग्नेट से उसको कह लें कि उसको किया जाता है कंफाइन इन शॉर्ट क्योंकि वो ज्यादा फास्ट है तो उसको बेंड करने और कंट्रोल करने के लिए आपको मैग्नेट भी स्ट्रॉन्गर चाहिए इसीलिए इतने स्ट्रॉन्गर एग्जैक्टली और जो हाई ल्यूमिनस एग्जैक्टली ताकि वो इतने हाईली स्पीडी एग्जैक्टली इस वजह से आपके पास मोस्ट पावरफुल मैग्नेट्स हैं और प्लस आप इमेजिन करें जो 2027 से 35 का प्रोग्राम है हाई ल्यूमिनोसिटी एलआईसी जिसमें फर्दर एनर्जी बढ़ेगी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 times इंक्रीज होंगे तो उसके लिए इवन आपको ये चैलेंज है जो अभी अहमद कह रहे थे कि फर्दर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए और अभी एक पीस मैंने देखा था जो इन्होंने R&D की है हमारे इधर सान पे कोलीग्स ने तो वो जो एक कॉयल होगी ना जो हाई ल्यूमिनोसिटी एलआईसी में यूज होगी उसमें जीरो रेजिस्टेंस के साथ अप टू 68,000 एम्पीयर्स करंट फ्लो कर रहा होगा अब आप इमेजिन करेंगे वो कितनी स्ट्रांग फील्ड जनरेट करता है तो दिस इज द रीजन आई होप आंसर इज क्लियर आई मीन इसी वजह से हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रांगर मैग्नेट्स प्रोड्यूस करना है क्योंकि exactly. वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं अदरवाइज देयर इज नो रीजन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ठीक है जी दीस बिग मैग्नेट्स एक और क्वेश्चन है जी आ रही है तकरीबन मेरा सवाल ये है कि मुख्तलिफ पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे पास होते हैं जैसे एलएसी हो गए साइक्लोट्रॉन हो गए तो क्योंकि एलएसी जो है वो किलोमीटर के ऊपर जो है एक्सपेंड किया हुआ होता है जिसकी वजह से वो जो है कॉस्ट काफी ज्यादा भी होगी तो व्हाई डोंट वी यूज साइक्लोट्रॉन वालों की तरफ साइक्लोट्रॉन हो क्या ऐसी वजह है तो हम अगर फील्ड को मजबूत बनाए तो उसकी जो पार्टिकल की स्पीड होगी मजबूत बढ़ जाएगी लेकिन हम उस तरह का नहीं पा रहे तो उसकी क्या वजह है क्या ऐसे मुझे समझ आई वो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि एक्सीलेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो हम एलएचसी या
इस सर्कुलर फ्लो में प्रोटॉन ही क्यों कोलाइड कर रहे हैं या किसी और एक्सीलेटर से कंपैरिजन. आई मीन एलएचसी सिर्फ इकलौता एक्सीलेटर नहीं, और भी हैं. बेसिकली हम इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन इसी टनल में इससे पहले लैप होता था जिसमें हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कोलाइड करते थे. बीजिंग में एक एक्सीलेटर है जहां इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइड करते हैं, एक जापान में है, बेले है, तो और बहुत सारे एक्सीलेटर हैं जहां डिफरेंट पार्टिकल कोलाइड करते हैं और उनकी डिफरेंट रेंज भी है. तो आई मीन एलएचसी डिफरेंट है उनसे, लेकिन उनकी एनर्जी रेंज बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल जो बीजिंग में है वो उसकी जो बीम एनर्जी इट्स समथिंग लाइक फ्यू जीवी, मैं हेल 3 से 5 GeV के दरमियान में. तो उसको अगर आप कोलाइड करेंगे तो आप कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं प्रोड्यूस कर सकते जिसका मास 5 GeV से ज्यादा है, तो आप वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे उस कोलिजन से या उस एक्सीलेटर से. एक्सीलेटर की जो उसमें आप क्या कोलाइड करते हैं इसके पीछे भी फिजिक्स मोटिवेशन होती है. आप क्या कोलाइड करें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को कोलाइड करना इस लिहाज से बेहतर है कि वो क्लीन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को कोलाइड करना इस वजह से बेहतर है क्योंकि वो एक डिस्कवरी मशीन बन जाती है कि जब आप प्रोटॉन प्रोटॉन को कोलाइड करते हैं तो नए पार्टिकल प्रोड्यूस करने के चांसेस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलिजन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इटसेल्फ एक जंगल है, उसमें क्वार्क्स हैं, उसमें ग्लूऑन्स हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल्स के कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक पॉइंट लाइक पार्टिकल है, ठीक है, उनके अंदर फंडामेंटली और कुछ नहीं है, तो सिर्फ वही कोलाइड करेंगे. लेकिन प्रोटॉन में ग्लूऑन्स आपस में कोलाइड करेंगे, क्वार्क्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं, डिफरेंट क्वार्क्स के फ्लेवर्स हैं, वो आपस में जो है वो कोलाइड करके कोई नया प्रोसेस प्रोड्यूस कर सकते. तो आई मीन सर क्वेश्चन क्वेश्चन आप जी जी लास्ट क्वेश्चन के मेरी मीटिंग जी आ रही जी जी आ रही है सर. एक्चुअली मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और हम लोगों ने तीन लाइन पर स्कूल्स ने कंपटीशन का आपको अगर बताऊं जी जी इंग्लिश में पार्ट लिया था और हमारा जो एक्सपेरिमेंट था जो इजिप्ट की जितनी टीम थी उनको तो उससे सिमिलर था, बिल्कुल सेम था सारा, कोई हमारा एमआरटीसी में एनवायरमेंटली करने का था, लेकिन प्रोड्यूस सम टेक्निकल फ्लॉज और हमारी रिसर्च थोड़ी कम थी जिसके वो प्रपोजल थोड़ा आगे नहीं जा सका. तो हमें कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट्स के आइडियाज वगैरह चाहिए थे कि हम क्या प्रपोज कर सकते हैं. अच्छा श्योर, इस पे हम ऐसा करते हैं ना ईमेल चूंकि अभी हमारा टाइम शॉर्ट है और मुझे एक मीटिंग में कनेक्ट करना है तो अभी आपके साथ ना हम चैट पे अपना ईमेल शेयर कर लेते हैं, तो आप काइंडली ना फिर हम ईमेल इज लाइक और व्हाट्सएप और फोन ऑन, ठीक है ना, तो फिर हम आप उससे ना बड़ा इजी हो रहेगा, हम आपसे कोई भी आइडियाज डॉक्यूमेंट पेपर शेयर कर सकते हैं और हम इनको कॉन्टेक्ट करवा दें कि पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की तरफ से. आई मीन रिसेंटली वो चेंज हुआ है शायद, आई डोंट नो अगर अभी समीर चेंज हो गया या कोई और है तो हम उनका कॉन्टेक्ट करवा देंगे. जिस चैट पे अपना और मेरा ईमेल एड्रेस लिखते हैं ये अहमद, अभी आपको चैट पे अभी आपको हम दोनों की ईमेल एड्रेस आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आप प्लीज ये स्टूडेंट से शेयर कर लें, फिर हम ना इस पे फिर हम ऑफलाइन डिटेल से बात कर लेते. मेरे पास है. अच्छा आपके पास है. ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन के अपॉर्चुनिटीज अटैच है. सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, दोबारा बोलें प्लीज. Am I audible now? Yeah, please try to speak. बोलें. पॉज हो गए, स्टक है उनकी वीडियो. अब बोलें प्लीज, वो स्टक हो गया था आपका वीडियो. ओके सो आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. जी एक आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि चूंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आगे अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड और सर्न में आने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह से हम अपनी सीवी मजीद रिप्रेजेंट. एग्जैक्टली ये मैं आपसे बताना चाह रहा था. अच्छा दो बातें इसमें क्विकली आपको शेयर कर दें, एक तो ये कि अपॉर्चुनिटीज और फिर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन कैसे आप प्रिपेयर करें. नंबर वन तो अपॉर्चुनिटीज, तो अब पाकिस्तान बन गया एसोसिएटेड मेंबर सर्न का, तो इट मींस सर्न के जितने भी प्रोग्राम्स हैं
काफी वेरी वेल और यूनिकली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स भी इसमें हैं। तो उसमें हर तरह के, फॉर एग्जांपल आपके जो बैचलर लेवल के स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए भी हैं, मास्टर्स के लिए भी हैं, पीएचडीज के लिए भी हैं, पोस्ट डॉक्स के लिए भी हैं। इनके डिफरेंट नाम है, सन टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम है, सन डॉक्टर स्टूडेंट प्रोग्राम है, फेलोशिप्स हैं, समर स्टूडेंट प्रोग्राम है और ओपन लैब एटसेट्रा। आप अच्छा सिंपल आप एक लिंक याद रखिएगा, हम ये ईमेल पे हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। आप गूगल पे जाएं और लिखें करियर एट सर्न और इसके ऊपर या जॉब्स एट सर्न, एक लिंक आएगा उसको आप खोलें तो सारी करंट अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। ये सारे प्रोग्राम साल में 2 दफा अनाउंस होते हैं। लगता है आप लोग फिर स्टक हो गए, नहीं अभी ठीक है। ठीक है जी, तो वहां से आपको ये लिस्ट ऑफ सारी प्रोग्राम्स मिल जाएगी। अच्छा, जो टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम है ये 1 साल के हैं, जो डॉक्टर स्टूडेंट प्रोग्राम अप टू 3 इयर्स है, तो इस तरह के हैं। अच्छा, अब जब आप उस लिंक ओपन करोगे वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन जो सब बताएगा, लेकिन मेन पिलर किसी भी जनरल एप्लीकेशन के 3 होते हैं। आपका सीवी, तो सीवी जनरल रूल्स हैं, आप सीवी बनाओ जो कॉम्पैक्ट हो, जो समराइज करे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को, अच्छा होगा। आप यूनिवर्सिटी में कोई सीवी बनाने के सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो। मोटिवेशनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को, चाहे आपने कोर्सेज लिए हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, और आपके ऑनगोइंग प्रोग्राम्स को कि अभी मैं फ्लां स्टडी या फ्लां चीजें कर रहा हूँ, उसको कनेक्ट करें आपकी फ्यूचर एम्स के साथ कि जी मैंने फ्लां फ्लां कोर्स पढ़े हैं, मैंने फ्लां प्रोजेक्ट किया है, मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने फ्यूचर में इस फील्ड को करियर बनाना चाहता हूँ। तो अपने आप को उस प्रोग्राम से लिंक करें। वो जो आपकी मोटिवेशनल स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर थोड़ा रिसर्च करें, गूगल पे आपको बड़ा मटेरियल मिलता है, किसी सीनियर से कंसल्ट करें। और प्लस लास्ट चीज होती है रिकमेंडेशन लेटर्स, तो वो जो आपके फेवरेट टीचर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो ये ऑफ कोर्स उनका काम है कि वो प्रोफेशनल अच्छे लेटर्स आपकी एबिलिटीज पे करें। तो ये 3 पिलर्स हैं, जब ये 3 हों तो इमेजिन करें कि मैं कोई भी केस देखूंगा किसी भी एक्स वाई यूनिवर्सिटी का, तो मैं देखूंगा सीवी, तो वो मुझे उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए, एक इमीडिएट यार ये स्किल्स हैं एक ना, ये नहीं कि मैं वो सफों में खो जाऊं, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। प्लस मोटिवेशनल स्टेटमेंट देखे तो उसको शॉर्ट लिस्ट करने को उसका इमीडिएट माइंड आए कि हाँ यार ये बंदे ने ये किया है, ये कर रहा है, आगे इसको ये करना चाह रहा है, तो ये आपकी मोटिवेशन रिफ्लेक्ट हो उसमें। और प्लस ऑफकोर्स जब आपके टीचर्स लिखते हैं मोटिवेशनल स्टेटमेंट, तो वो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं, वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज के बारे में लिखते हैं, वो आपकी जो टीम वर्क और जो कोलैबोरेटिव इन चीज़ों को लिखते हैं। तो दीज आर सिंपल गाइडलाइंस, तो उसमें अच्छा है कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करें, सेशन ऑर्गेनाइज करें सीवी राइटिंग के, मोटिवेशनल स्टेटमेंट, टेक्निकल राइटिंग के। तो ये तो जनरल मतलब लाइक यूजफुल चीज़ें हैं जो सबको इन एनी केस मतलब यूजफुल हैं और स्टैंडर्ड किसी भी एप्लीकेशन के लिए दुनिया में कहीं भी। Same applies to sir. Sir, sir. मेहर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी टीम का, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, ये अहमद का player. और जो आपके इधर उधर जो बैठे हुए हैं Dalton और नोएमी। No, player. It was player, and it was very nice. We received very good questions, and we were very happy to be here. So please, आप हमारा email students से share कर दें, in case कोई भी question हो. So please don't hesitate to ask us, and we will be very happy to help in our capacity. Sorry, मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम वहाँ देखते हो। नहीं, मुझे भी exactly. So it was a good opportunity that हमारी बात भी हुई, और of course students के साथ always मतलब बात करना अच्छा होता है इसी बहाने। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के efforts का, to continue these efforts अपने students के लिए। तो all the best जी, बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you. Bye bye. Love this. Ciao. Ciao.